बड़ा बोलना पड़ता है। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, जी सचिकार, मुझे स्नोबर आंटी से बात करनी है। सत श्री अकाल जी, स्नोबर आंटी थोड़े को सामने मौजूद है। जी हेलो आंटी जी, मैं एक्चुअली मैं इटली से बोल रही हूँ। जी जी कौन बात कर रहे इटली से? हाँ जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ इटली से। सोनिया की हाल चाल है थोड़ा, तुसी ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक आंटी जी। एक्चुअली मैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। की होया? हाँ जी एक्चुअली आंटी जी, मैं ना एक्चुअली मैंने 10 साल हो गए ने इटली से रहने, मेरी 23 एज है। अच्छा जी, हाँ जी 7 साल हो गए मेरे फेस पे पिंपल हो गए, मतलब दाग पे जाते हैं, कितों नहीं रहा हमारा। और तो भी इन्ना टेस्ट करा लेने, इंडिया तो जाके मैं टेस्ट कराए पर बिल्कुल फर्क नहीं पै रहा। 23 हो गए इटली च रहिंदे ते प्रॉब्लम जेहड़ी है 10 सालों तो भी ठीक है। मुंह ते तुहाडे दाणे निकलदे ने? हां जी हाँ जी हाँ जी, मेरे दाने निकल गए जगह, मतलब अपने आप ही इतने जगह हट जाएंगे, ब्लैक हो जाएगा, फिर वो भी चीज निकल गए हैं। अच्छा, तुसी मैनू ईमेल कर सकदे हो मेरी जान? हेलो, थोड़ा को ईमेल कर देना ताकि मैं तुहानू ना अच्छी तरह पूछा कि इन्ना ज्यादा चेहरा क्यों खराब है 23 साल की उम्र में, 10 साल तो तुसी इटली च रह रहे हो, यू आर वेरी यंग गर्ल, छोटी जी बच्ची हो तुसी, और तुहाडा चेहरा क्यों इन्ना खराब है और नहीं होना चाहिए वे, और उसके वास्ते अगर तुसी थोड़ा जहा मैनू पूछ लोगे तो मैं तुहानू जरूर कुछ पूछ के ऐसी टूट टूट के नुस्खे दसागी कि जिदे नाल इंशाल्लाह तआला थोड़ा यह मसला हल हो जाएगा, लेकिन काफ़ी गंभीर मसला है तो इनू तुसी अपने डॉक्टर नू भी मशवरा करो ते नानी दा। हुण तुसी यह कर सकते हो कि अपने चेहरे के उत्ते माल्टे के छिलके लवो ते खरबूजे के बीज लवो ते सौंफ लवो ते जौ का आटा लवो, इन्हों बराबर लैके ऐसा एक सफूफ जहा बना के ना तो ये अपना चेहरा धोया करो, फिर मैं दस दिनी हाँ माल्टे के छिलके किन्नू लै लो, माल्टा लै लो, वो छिलके उतार के उन्होंने ग्राइंड कर लो तो खरबूजे के बीज थोड़े कुट पा लो, अगर तुम फर्ज करो एक माल्टे का छिलका लिया तो एक टीस्पून खरबूजे के बीज जोड़े तुम बाजार मिलेंगे वो पा दौ, एक चमचा सौंफ का पा दौ, जौ कहें ओट्स जरा कुकर और से दलिया खाने हैं एक चमचा वह पा दौ तो यदा एक सफूफ जहा बन जाएगा, तो रात को सौन तो पहले एक दफ़ा और सुबह सौन तो पहले इनू दूध च मिक्स करके तो अपने चेहरे को ये धोना शुरू करो तो तुम देखना कि बल्ले बल्ले, फिर भी ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा बल्ले बल्ले वास्ते मैं प्लीज़ ईमेल कर लेना, मैं इंशाल्लाह तुहानू कुछ दसागी जिदा चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ हो सकता है, अपनी उम्र तो बिल्कुल अपनी उम्र जिडे लगोगे रंग गोरा होएगा, ओपन पोज बंद होंगे और रज के तुम सोने लगोगे बल्कि मन मोहने लगोगे। जी लेते हैं अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम हेलो, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस नंबर ठीक है आप, मैं आपका प्रोग्राम तो देखती रहती हूँ। तो थैंक यू मैंने ना मेरी। किसी के लिए कुछ पूछना है, तो मैं नाम नहीं कौन बताऊंगी, है? मैं फोन रखूंगी तो फिर आप मुझे अच्छा, बताना। कौन और कौन किसके लिए? वो ना किसी ने मुझे कहा था, वो आप एक दफा ना, मैं आपका कभी कभी देखती हूँ प्रोग्राम, आज मैं थोड़ा नहीं बात ज्यादा करूंगी, मेरी कोई बात तबीयत नहीं, नहीं ठीक, तो बाद में फिर नाम भी मैं हूं बताऊंगी ना तो बोलने फिर के बात लिए, मेरी करेंगे। तबीयत ठीक है। तो आप ना मुझे एक दफा मैंने सुना था आप लकोरिया के बारे में बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, किसी ने कहा पूछ के बताएं कि देखिए लकोरिया हो किसी को। हाँ जी मेरी जान, लिकोरिया एक बहुत ही मुजी और बड़ी बदतमीज़ सी बीमारी है, यानी कि स्मेली डिस्चार्ज है, दो 10 साल की बच्ची से लेके 60 साल की उम्र तक हो सकता है, जेली टाइप भी होता है, येलो कलर का भी होता है, पीरियड्स से पहले पीरियड्स के बाद ऑल द टाइम भी होता है, जिससे फिर ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जलन भी होती है, तो जितनी भी मेरी बहनें हैं इस चीज़ से बहुत नाला हैं खफा हैं तो अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकती हैं, लेकिन मुझसे भी पूछ सकती हैं, मैं आपको कुछ ऐसी होम रेमेडीज और टोटके बताऊंगी कि जिससे आप इससे छुटकारा हासिल कर सकती हैं, लेकिन आपका डॉक्टर आपका जीपी आपको ज़रूर बताएगा कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका फौरी तौर पर सदेबाप करें। इस जिस खातून को भी ये होता है उसकी ज़िंदगी से एक खुशी एक किस्म की ख़त्म हो जाती है, आपके अंदरूनी जिस्म से जो ये डिस्चार्ज होने की वजह से आप बहुत कमज़ोर महसूस करती हैं, चेहरे चेहरे पर पिलाहट आती है, झुर्रियाँ वक्त से पहले आ जाती हैं, आँखों के गिर्द हल्की होती हैं, इसकी वजह से छाइयाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, दाग धब्बे भी चेहरे पर पड़ते हैं,
और आपकी खास तौर पे अजदवाजी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा बेजारी होती है, आप इतनी हैप्पी मैरिज लाइफ नहीं गुजारती हैं, आपको किसी चीज़ के लिए अट्रैक्शन नहीं रहती है, आपको किसी चीज़ के लिए चाहत नहीं रहती है, और आप एक कोने में घुसी बस नाला रहती हैं, नाराज़ खफा खफा रहती हैं अपनी ज़िंदगी से, और इसलिए ये एक छोटा सा कहते हैं बड़ा स्लो सा एक प्रोसीजर है जो कि आपकी ब्यूटी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है, आपके चेहरे की रौनक को ख़त्म कर देता है। और इस चीज़ का सदैव करने के लिए मेरी जितनी भी इस वक्त बहनें प्रोग्राम देखती हैं वो मुझे ईमेल करके पूछ सकती हैं, मैं उनको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जैसे इंशाल्लाह ताला उनका ये मसला जड़ से हल हो सकता है। और आपका डॉक्टर, आपका जीपी, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट जो एडवाइज़र होता है उसको ज़रूर जाके पता करें, लेकिन घर की वो चीज़ें जो हम आम रूटीन में टेबल पर पड़ी हैं, किचन की शेल्फों में पड़ी हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करें जिससे कि इस चीज़ से छुटकारा हासिल हो सकता है। तो और कुछ पूछना चाहेंगी तो फिर ईमेल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अगर आप नहीं बोलेंगी तो मैं भी चुप रहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलना पड़ गया मुझे। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, 1.5 साल का है। जी जी, तो उसकी आंखों के आगे से हल्के से पड़ गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोटे बच्चों के लिए इतनी वरी नहीं करते हैं, और आप अपने डॉक्टर से, अपनी नर्स से या हेल्थ विजिटर या जो भी हेल्थ क्लिनिक है वहाँ जाके ज़रूर मशवरा करें, और अगर आपकी ये कोई परेशानी है तो ज़रूर पूछिएगा। कुछ लोगों के नेचुरल भी होते हैं इस तरीके से बाय बर्थ ना, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, ठीक है। ज़रा हम जैसी उम्र के बड़े लोगों को हल्के हों या जवान बच्चे बच्चियों की हो तो उसके लिए फिर पूछा जाता है कि क्यों है। छोटे बच्चे का आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रजू करें। लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गया, और मुझे लगता है कि ये जो घंटा है ये लम्हों में गुजर जाता है। और दूसरी बात ये है कि कोई बात नहीं, ये 24 घंटे की जुदाई है। कल इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम स्नोबर मेरी सर्विसेज लेकर 7 से 8 बजे इसी जगह पर, इसी मकाम पर, इसी चैनल पर मैं और लियाकत हारून हनीफ साहब यानी मेरे मियाँ आपकी करवाएंगे शादियाँ और करेंगे आपके साथ गपशप और बातचीत। तो कल के तक के लिए नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। जिन लोगों ने कॉल की उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों से बातचीत नहीं हो सकी आपको पता है कि मेरा आ रहा है ईमेल एड्रेस आ रहा है, उसको देख लें, उसको नोट कर लें, ईमेल कर लें, टेलीफोन कर लें, ख़तो किताबत कर लें। और अब तो मेरा ख्याल है कि आप, मेरा नाम ऐसा है कि आप जहाँ चाहें जिस जगह चाहें मुझे ढूंढ सकते हैं, मुझे अपने दिलों में पा सकते हैं, मुझे अपने दिमाग में समा सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम क्या वक्त चूँकि ख़त्म हुआ चाहता है तो आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।